एक प्लेयर को जिस वक्त आप चेंज करते हैं तो आप ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज देते हैं कि भाई कोई भी बंदा इस वक्त सिक्योर नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ राइट मूव फ्रॉम पीसीबी। और उसमें पहले अगर हो सकता था कि आप नाम ले सकते थे कि फलाना प्लेयर होता, एक्स वाई जी होता या कोई होता, तो वो एक चीज थी। आपने जो इनसिक्योरिटी की बात की, तो क्या इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और बाज मैचों में ऐसा भी नजर आया कि जीत के लिए नहीं गए और अपने लिए प्लेयर्स को खेलते नजर आए? देखिए, आप जब आप हैवली रिलाई करते हैं ना दो प्लेयर्स के ऊपर थ्रू आउट, अगर आप देख लें पिछले 2 साल में इन दोनों प्लेयरों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बाबर और रिजवान ने, आप दोनों आउट हो गए तो सडनली आपका सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है, आपने सोचा कि हम ये चेज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज है, जैसे मीडिया पे या जहाँ पे भी बात चल रही थी तो उसमें ये था कि टीम चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वहां पे जाहिर सी बात है हर बंदा, अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ था या वो शेल में चले गए थे, क्या उनका माइंडसेट था, क्या अप्रोच थी कि क्यों वो बिल्कुल ही, आप ऐसी सिचुएशन में जाके आप एटलीस्ट जाते, आप हार तो गए थे, 70 रन से हारे हो, आप क्या 100 रन से हार जाते, लेकिन वो इंटेंट और वो चीज नजर नहीं आई। आई थिंक जिसकी वजह से ये सब लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप जाते और आप चाहे 100 पे आउट हो जाते लेकिन वो इंटेंट और वो नजर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अब आई डोंट नो कि क्या उसकी वजह थी, वो आपकी मैनेजमेंट या खुद इंग्लैंड के खिलाफ जो 7 मैचेस हुए उसमें शिकस्त हुई, टीम के ऊपर काफी तनकीद भी हुई और प्लेयर्स जो हैं खास तौर पर वो बहुत ज्यादा जेरे तनकीद आए, तो आपको क्या लगता है कि इससे वो दबाव का शिकार रहेंगे आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, या फिर इससे पॉजिटिव लेकर अच्छा परफॉर्म करेंगे? यार देखें, तनकीद तो होती है, हर वक्त होती है।